नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमेश बालाजी की और एक वीडियो में, हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में और लिपिड पैनल और लिपिड प्रोफाइल कुछ भी आप कह सकते हो इसको। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर चुके हैं तो शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो का अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा किस लिए दिया गया है। तो पहली बात तो ये कि लिपिड प्रोफाइल, सो जब भी हम ये टर्म ऐड करते हैं प्रोफाइल या फिर पैनल, उसका मतलब होता है कोई एक टेस्ट, एक चीज का जांच नहीं होता है, वहां पर मल्टीपल ज्यादा चीजों का जांच होता है। ऐसे ही हमारे पास LFT लिवर फंक्शन टेस्ट और लिवर प्रोफाइल होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी प्रोफाइल किडनी पैनल टेस्ट होता है, वैसे ही हमारे पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। लिवर फंक्शन टेस्ट लिवर ठीक है या नहीं इसके बारे में बताता है, किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं इसके बारे में बताता है, और लिपिड प्रोफाइल बताता है कि आपको आपकी हार्ट, जो मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी हार्ट, ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मैं इसको खोलकर बाहर आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये है ह्यूमन हार्ट, नॉर्मली एक एग्जांपल टॉर्सो का आप देख सकते हो। ये हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं इसके बारे में बताता है लिपिड प्रोफाइल। ओके, कैसे बताता है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कुछ कुछ चीजों का जांच होता है। किस चीजों का? लिपिड का जांच होता है, ठीक है। लिपिड मतलब फैट, ठीक। अभी एक चीज आप समझ लो कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो ब्लड है, ब्लड का मैक्सिमम कंपोनेंट पानी से बना हुआ है ब्लड, ठीक है, पानी और कुछ सेल्स कोशिका इससे बना हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह ये सब रहता है, मगर मोस्टली पानी है ये। और फैट और पानी में क्या अंतर है सबको मालूम है कि अगर पानी के अंदर आप फैट डाल दोगे, मतलब तेल डाल दोगे और कुछ फैट टाइप का चीज डाल दोगे, तो आप देखो कि वो पानी के साथ मिल नहीं गया, कभी मिलता नहीं है, वो ऊपर फ्लोट होता रहेगा, राइट। तो प्रॉब्लम बॉडी में क्या होता है, बॉडी के अंदर जब हम फैट खाते हैं तो फैट डाइजेस्ट हो जाता है, फाइन। डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड से थ्रू, ब्लड के जरिए सारे के सारे जो कोशिका है शरीर की उसमें जाना पड़ता है। डाइजेशन तो यहाँ पर स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, इंटेस्टाइन में होता है। तो होने के बाद जो होता है कि वो बाकी को जो खाना है, जो 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 कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वो तो नॉर्मली चला जा सकता है ब्लड के जरिए, क्योंकि वो फैट टाइप का नहीं है। मगर फैट कैसे जाएगा, क्योंकि ब्लड तो पानी से बना है ना मोस्टली, तो फैट जाने के लिए बहुत दिक्कतें होता है। तो अगर कोई आदमी बहुत बहुत फैटी फूड खाता रहेगा हर वक्त, और उसके वजह से बॉडी में ब्लड के अंदर जो नॉर्मल फैट, नॉर्मली फैट ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ प्रोटीन की मदद लेना पड़ता है। ऐसा प्रोटीन जो है उसका नाम होता है एल्बुमिन, फॉर एग्जांपल, उसका होता है, उसका नाम होता है लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन कहा जाता है क्योंकि लिपो मीन्स लिपिड, लिपिड मीन्स फैट, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और ये लिपोप्रोटीन जो है वो ये जो फैट ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ये जो लिपोप्रोटीन होता है, मतलब कुछ कुछ प्रोटीन जो ये लिपिड को, फैट को ब्लड में ट्रांसफर करने में मदद करता है, एक जगह से अलग जगह जाने में। तो ये लिपोप्रोटीन अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन का ये जो है अलग अलग प्रोटीन्स होता है जो हेल्प करता है लिपिड को, मतलब ये फैट को ब्लड के जरिए शरीर के दूसरी जगह में, बहुत सारी जगह में पहुंचाने के लिए। अभी ये सारे के सारे जो लिपिड है इसको चेक किया जाता है ब्लड के अंदर, कितना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कितना HDL है, कितना LDL है, कितना VLDL है, सब कुछ चेक किया जाता है। उसके साथ साथ और एक कंपोनेंट ब्लड के अंदर है या नहीं उसको चेक किया जाता है, जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल। शायद ये नाम आपको ज्यादा सुना होगा, क्योंकि कोलेस्टेरॉल का मतलब, कोलेस्टेरॉल नॉर्मली बॉडी में पाया जाता है, शरीर का जो भी कोशिका है उसका जो मेम्ब्रेन होता है बाहर का, उसमें कोलेस्टेरॉल मौजूद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्टेरॉल। मगर कोलेस्टेरॉल ब्लड में अगर ज्यादा आ जाए तब प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि अगर ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, वो भी फैट टाइप का ही है, उसके अलावा अगर कोई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा ब्लड में आ जाए, तो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जो ब्लड वेसल्स है, वेसल्स मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लाल रंग का और ये ब्लू कलर का जो भी है ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 डिपोजिट होने लगा, तो ये वेसल का जो थिकनेस है वो छोटा कर देगा। तो वेसल का थिकनेस अगर कम हो जाएगा तो ब्लड जाने में दिक्कत ही होगी,
और कभी कभार तो वो पूरा ब्लॉक कर देता है ब्लड जाना। तो मतलब समझो कि ये ब्लड का ये जो अर्टरी है वो टोटल ब्लड को है ना यहाँ पर हार्ट तक पहुंचाता है। तो वहां पर अगर ऐसा कोलेस्ट्रॉल जम कर एक दीवार सा बना दे और ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसके वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट। और अगर ये ट्रांसपोर्ट तक ब्रेन तक ये जो है आर्टरीज ब्रेन तक रहते हैं, और अगर किसी भी आर्टरी जो ब्रेन तक पहुंचा रहा है वो फैट और कोई भी कंपोनेंट को, और वहां पर अगर जाके ऐसे कोई कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ दीवार होता है तो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसीलिए लिपिड प्रोफाइल चेक किया जाता है कि अगर आपका कुछ कुछ मतलब सिम्टम्स आप ज्यादा सीरिया ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपको ज्यादा मतलब पैल्पिटेशन हो रहा है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हो तो ज्यादा पैल्पिटेशन आता है, ऐसा कुछ होता है, और आप ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल लीड करते हो, जंक फूड ज्यादा खाते हो, फैट डाइट ज्यादा खाते हो, तो सारे सिचुएशन में एक चांस रहता है कि आपको कभी ना कभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो। तो अगर उसको बोलते हैं सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का चांस कितना है आपका, इसको जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसको भी जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट क्या है, सिंपली ब्लड लिया जाता है, और ब्लड लेने के लिए यहाँ पर नॉर्मली और एक बात है कि फिर से लिपिड प्रोफाइल चेक करने के लिए भी 12 घंटा पहले से आपको एक फास्टिंग की जरूरत होता है, और जनरली नॉर्मली है 9 से 12 घंटा का फास्टिंग। उसके बाद ब्लड लिया जाता है, और ब्लड लेने के बाद चेक किया जाता है कि ब्लड के अंदर एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मतलब खराब, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा लिपोप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि एचडीएल जो है मदद करता है हमें ब्लड के अंदर फैट को सेपरेट करने के लिए, तो एचडीएल अच्छा होता है बॉडी के लिए, मगर एलडीएल बुरा होता है। तो एलडीएल परसेंटेज ज्यादा, एचडीएल लो, और कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज भी ज्यादा है ब्लड के अंदर, उसका मतलब है आपका कोरोनरी रिलेटेड डिजीज मतलब आपका कोई भी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज होने का चांसेस हाई है, अभी या फिर फ्यूचर में चांसेस बहुत हाई है। तो इसीलिए ये लिपिड प्रोफाइल में सारे ये चीजें चेक किया जाता है। तो ये लिपिड प्रोफाइल का ये जो अलग अलग चीजें है, ये इसका वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, रेंज क्या होता है, और इस रेंज को अगर कोई बढ़ जाए या घट जाए तो इसका क्या मीनिंग है, इसको समझाने के लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन का यूज करूंगा, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन होगा वो देने के लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आता है तो फाइन है, मगर आफ्टर अ सडन एज, अभी के जमाने में 40 के बाद, तो आपको हर साल एटलीस्ट एक बार लिपिड प्रोफाइल करना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लिपिड प्रोफाइल प्रॉब्लम होता ही है लोगों को, क्योंकि ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल में जो जीता है नॉर्मली जिन लोगों का खाने के टाइम ठीक नहीं रहता है, जंक फूड ज्यादा खा लेते हैं, उन लोगों का ये प्रॉब्लम होना काइंड ऑफ कॉमन है, और ये वेरी कॉमन डिजीज दिन में दिन एक बढ़ता जा रहा है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है, ब्लड टेस्ट नॉर्मली, मगर उसके बाद रिपोर्ट देखने के बाद अगर ऐसा पाया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो आपका जनरली हार्ट अटैक होना या फिर स्ट्रोक होने का रिस्क ज्यादा होता है, तो इस चीज से बचना चाहिए। तो खाना पीने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएगा, ये सब कुछ बाद की बात है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसका जो टोटल कौन कौन सी चीजों का जांच होता है, उसका वैल्यू नॉर्मल रेंज क्या है, और उससे ज्यादा हो या लेस हो तो क्या सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल का वैल्यूज क्या क्या होता है, और अलग अलग लिपिड। तो यहाँ पर जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, एलडीएल का परसेंट अमाउंट, एचडीएल का अमाउंट, ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइसलग्लिसरॉल का अमाउंट, और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ट्राइसलग्लिसरॉल टू एचडीएल रेशियो, ये बात की बात है, मगर नॉर्मली टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये चारों चीज यहाँ पर चेक होता है, और इस इनमें से सारे के सारे जो वैल्यूज हम देख रहे हैं नॉर्मली सब वैल्यू ज्यादा होने पे खतरा है, सिर्फ एक चीज का वैल्यू ज्यादा होने पे फायदा है, वो है एचडीएल। एचडीएल का वैल्यू अगर ज्यादा है नॉर्मल से, नॉर्मली जो है एचडीएल का वैल्यू नॉर्मल अगर रहता है तो ठीक है, और कम होता है तो प्रॉब्लम होता है, मगर बाकी एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसका वैल्यू, इन सारे जो चीजों है, सारी चीजों का वैल्यू जो है वो कम होने पर खतरा नहीं है, ज्यादा होने पर खतरा ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट यहां पर देखें, टोटल कोलेस्ट्रॉल अमाउंट होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसिलीटर 200 से नीचे, और अगर 240 के करीब है तो ये हाई माना जाता है। एलडीएल का वैल्यू नॉर्मल 130 के नीचे होना चाहिए, वो 160 के ऊपर है तो हाई माना जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है 60, नॉर्मली 60 से ज्यादा होना चाहिए, ओके,
सो एचडीएल जो है 60 से ज्यादा है तो अच्छा है, 40 से 60 के बीच भी चलता है, मगर 40 से नीचे मतलब प्रॉब्लम है। और इन सिचुएशन जब एचडीएल 40 से नीचे और एलडीएल नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो, उसका मतलब है डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू भी 150 से नीचे होता है तो अच्छा है, 200 से ज्यादा है तो वहां पर हाई कहा जाता है। तो ये है, और ये सारे जो वैल्यूज होता है एक्चुअली ये वैल्यू जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, एज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। तो जब भी आप खुद की रिपोर्ट देखेंगे तो उसके साथ साथ एक रेफरेंस रिपोर्ट में ऑप्टिमल वैल्यू भी दिया रहता है, और उसके साथ आप मैच करके देखो कि कौन सा ज्यादा आ रहा है। अगर नॉर्मली एलडीएल ज्यादा है बाकी सब नॉर्मल है तो भी उतना घबराने की बात नहीं है, मगर अगर एचडीएल कम है और एलडीएल ज्यादा है एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और वहां पर जो जो मैंने कहा आपको, जो एट्री के अंदर जो प्लाक सा फॉर्म हो सकता है, दीवार सा फॉर्म हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का डेसिमेट सेडिमेंट पर कर, और उससे क्या हो जाता है आर्टरी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काम नहीं करता है। आर्टरी नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है, जब ब्लड पास करता है वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी घट जाता है, उसके वजह से क्या होता है स्ट्रोक होने का चांस रहता है। तो इलास्टिसिटी अगर घट जाएगा इसका एक कारण है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, वो नॉर्मली एक्वर्ड भी हो सकता है या फिर किसी को बर्थ डिफेक्ट से भी वो मिल सकता है। तो ये सारी चीज हम लिपिड प्रोफाइल से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, राइट? ये होता है टोटल लिपिड प्रोफाइल और लिपिड पैनलिंग टेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जो हम डालेंगे रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर आपको मिल सके। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या है, लिपिड फंक्शन आई मीन सॉरी लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है, या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, तो उसके लिए भी वीडियो हमने बनाया है और वो आप क्लिक करके देख सकते हो इसी चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर सिंपली सर्च करो शोज वाले चैनल पे जाके लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका डिटेल जो है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।